बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। बहुत ज़्यादा लेडीज़ की, जेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि हमें जो यूट्रस का इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट बता दीजिए। जबकि मैंने बहुत सारी मार्केट की चीज़ें जो कि बहुत आसानी से हर जगह से मिल जाती हैं वो मैंने शेयर की थी। कुछ ने कहा कि हमें उनकी वजह से रिज़ल्ट नहीं आया, उनसे भी रिज़ल्ट नहीं हमें मिला। तो कोई इस तरीके की चीज़ शेयर करें जो कि वाकई रिज़ल्टेड हो। और एक हमारी बहुत ही प्यारी सी व्यूअर हैं, प्याली चक्रवर्ती के नाम से, इंडिया से हैं। उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट की थी कि मैम मुझे बताइए कि इसका ट्रीटमेंट जो कि यूट्रस का बढ़ जाना, इन्फेक्शन हो जाना और इस हद तक यूट्रस का बढ़ जाना कि यूट्रस का जो मुंह है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, जैसे बच्चों की कांच आ जाती है, बड़ों की कांच आ जाती है, इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये होती है हमेशा से आसान तरीन चीज़ आप लोगों के लिए ले के आऊँ। तो चलिए ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं लेते। ये बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है और जिनको इन्फेक्शन है, जिनका इचिंग वगैरह हो जाती है और जिनकी यूट्रस जो है वो बढ़ गया है, स्वेलिंग हो गई है, ये सब उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा, उनको अच्छे से करेगा। लेकिन जो भी चीज़ इसके लिए आप इस्तेमाल करें, ग्लव्स हाथों पे पहनने के लिए, प्लेट्स वगैरह या जो भी ग्राइंडर आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़सुथरा होनी चाहिए। कोई स्पून वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डेटोल से साफ़ सुथरा यानी स्टरलाइज होनी चाहिए ताकि किसी तरीके का बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये हमारे पास पड़ा है माजू, ये है मेरी माजू, ये देखिए इस तरीके का होता है, बहुत ही आसानी से पंसारी से मिल जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड माजू सब्स कहते हैं इसको। ये है माजू, इसको मैंने तोड़ लिया है तो ये इस शक्ल में आ जाएगा आपके पास, इस शक्ल में। ये माजू पुख्ता होता है, ठीक है। इसको आपने ग्राइंडर में डाल के इस हद तक सफूफ कर लेना है, इस हद तक सफूफ कर लेना है कि ये बिल्कुल जो मलमल का या जो कपड़ा होता है उसके अंदर से ये छनना शुरू हो जाए, निकलना शुरू हो जाए। इसका पाउडर बहुत ही मतलब महीन करना है, हद से ज़्यादा कि बिल्कुल आपको फील ही ना हो कि कोई चीज़ है। जिस तरीके के टेलकम पाउडर्स वगैरह होते हैं इस हद तक इसको बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद आपने क्या करना है कि मरम दाखिलून हमदर्द कंपनी की हर जगह से, हर्बल स्टोर से मिल जाती है, पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी मेडिसिन मिल जाती हैं। हमदर्द कंपनी की आपने मरहम दाखिलून ले लेनी है और उसके बाद आपने इस तरीके से एक कॉटन बड ले लेना है। कॉटन बड का साइज़ जो है वो कम से कम इतना होना चाहिए, इतना आपने कॉटन बड ले लेना है और इसको हम फिक्स करेंगे थ्रेड के साथ। आपने इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इस टाइम तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ फेस कर रही हैं कि यूट्रस बढ़ जाता है, बाहर निकल आता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो स्पेशली रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको। ये इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको दे रही हूँ जो कि हम खुद इसको यूज़ करवाते हैं, यूटिलाइज करते हैं इस चीज़ को, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसका रिज़ल्ट आ जाता है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती। इस तरीके से आपने देखें बांध लेना है यूं करके कॉटन बड को। अब यहाँ पे आपने कम से कम एक टीस्पून जो है वो मरम दाखिलून को इस तरीके से फैला के इस पर डाल लेना है। डालने के बाद आपने जो बाजू का पाउडर बनाया होगा उसको तकरीबन एक ग्राम होता है तकरीबन दो बड़ी चुटकियाँ, एक ग्राम सफूफ आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है, अच्छे तरीके से गिरे नहीं इधर उधर, उसी जो मरहम दाखिल होना है उसके ऊपर ये चिपक जाना चाहिए। चिपकने के बाद इसको आपने इंटरनल में इस्तेमाल कर लेना है और ये जो थ्रेड है इसको छोटा कर लेना है, काट लेना है, इतना सा ये थ्रेड रहेगा बाहर और ये चीज़ जो है ये इंटरनल चली जाएगी। देन ये इस तरीके से यूं करके ये जाएगी, ऐसे दवा यहाँ पे लगी होगी। उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट है ये मैं बता दूँ सिर्फ मैरिड लेडीज़ के लिए है, अनमैरिड के लिए ये नहीं है।
उसके बाद रात को आपने इसको रख लेना है और मॉर्निंग में इसको निकाल लेना है। जब आप थ्रेड को इस तरीके से यूं करके खींचेंगी तो ये ऑटोमेटिकली जो कॉटन पैड है ये बाहर को निकल आएगा बड़ी आसानी से। 5 to 7 days इस चीज़ का ट्रीटमेंट आपने लेना है, इस चीज़ को यूज़ करना है, तो आप देखेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह फर्स्ट और टू यूजेज से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। हाँ, इसके अंदर सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए। बेहतर ये होगा कि आप जो है जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं उनको पहन लें और उनको भी स्टरलाइज करें डेटोल के पानी के साथ, ताकि किसी तरीके का कोई जर्म लगने की खतरा ना हो किसी भी तरह से। अब ये 5 to 7 days से ज़्यादा का ट्रीटमेंट नहीं आपने लेना, इन्हीं दिनों के अंदर ही आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना भी इन्फेक्शन होगा, जिनका सीवियर इन्फेक्शन है उनके लिए ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब चीज़ सीवियर हो जाती है तो फिर उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी इसके अंदर, देन जो है वो होगा। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो जो बनाऊंगी उसके अंदर इंशाल्लाह मैं वो भी बता दूंगी। जितनी भी लेडीज़ 4-5 साल पुराने इन्फेक्शन के अंदर मुबतला हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनका यूट्रस जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है उनके लिए उसको क्लोज़ करने के लिए बहुत अच्छा है ये। और अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो जाती है तो देन 6 to 7 month के बाद आप इसको सेकेंड टाइम जब रिपीट करेंगी, कर सकती हैं इसको रिपीट, लेकिन अगर रिपीट करेंगी तो सिर्फ 3 दिन के लिए रिपीट होगा। ये था आज का हमारा वीडियो। कोई क्वेश्चन होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है, लेडीज़ वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकती हैं। और ऐसे तमाम जेंट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल पका देने वाली बात करते हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल्स आ रही होती हैं और मैसेजेस बार बार ड्रॉप कर रहे होते हैं, देखें आपने आपको जो भी प्रॉब्लम है एक वॉइस मैसेज मुझे ब्रीफली कर दें, मैं जब भी फ्री होंगी मैं आपको आंसर ज़रूर करूंगी। लेकिन अगर आप तंग करने वाली बात करते हैं, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही साइको लेवल के जो पेशेंट्स मर्द हैं वो जो बहुत ही अजीब अजीब किस्म की हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तो उनको फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ जाता है, और जो तंग करते हैं उनको भी फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ जाता है। उसमें नुकसान मेरा नहीं है, आप लोगों का अपना है, क्योंकि चैनल मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल ही आपकी हेल्प के लिए, ना कि इस तरह की बोंगी सी हरकतों के लिए। तो इस तरह की बोंगी सी हरकतें मैं उन लोगों से ये कहूँगी कि आप अपने घर में कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना बहुत ही क्रिटिकल एक्शन जो है ना वो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों का व्हाट्सएप मेरे पास आ चुका होता है, सारा डाटा वहाँ से निकल आता है। तो इस तरीके की हरकतें कम से कम ना किया करें। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं फिर जो है ना इस हद तक, फिर अगर मुझे जाना पड़े तो फिर चली भी जाऊंगी, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है कम से कम। तो जिन लोगों को मेरी किसी भी वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है या कोई रेमेडीज़ के लिए मुझे कांटेक्ट मत किया करें व्हाट्सएप पे, कोई क्वेश्चन आता है मेरी वीडियो से रिलेटेड कि किस तरीके से यूज़ करना है तो वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन हर चीज़ का रेमेडी नहीं होता। रेमेडी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, ट्रीटमेंट भी इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो आप वहाँ से देख लिया करें। मेरे फेसबुक का लिंक वहाँ पे मौजूद है रेमेडीज़ के लिए, आप उसको चेक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप मुझे रेमेडीज़ के लिए मत किया करें। हाँ, अगर आपको स्किन के से रिलेटेड और लेडीज़ को मुख्तलिफ तरह की वेट लूज़ हार्मोनल या इस तरीके के कोई ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं तो देन मेरे पास बहुत सारी मेरी अपनी बनाई गई चीज़ें जो हम पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाते हैं तो वो मेरे पास अवेलेबल होती हैं। उनको आप पूरे पाकिस्तान में लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बोंगी हरकतें कम से कम एक ख़ानदानी बंदे को जेब नहीं देती। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।